लोग मेरे दिमाग में था पहले ही भूल गया साहब चिंतन चिंतन के चक्कर में। आईपीएल को लेके जी सर, आईपीएल को लेके जिस विवाद पे आप बात कर रहे हैं उस विवाद को हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी मुख्यमंत्री से बात हुई है, जोशी जी से भी बात हुई है, ताकि आईपीएल के मैच हो सके। अब उसमें राज्य सरकार स्टेडियम देने को तैयार है, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम स्टेडियम पूरी तरह से मुहैया कराएंगे, उसमें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं आएगी। कोऑर्डिनेशन की बात है तो उन्होंने हमें भी सुझाव दिया कि जो उनके सचिव हैं वो इस मामले में कोऑर्डिनेट करेंगे, तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और मुख्यमंत्री के सचिव जो हैं पांडे जी वो कोऑर्डिनेट करके स्टेडियम का ये देखेंगे। उसमें अगर कोई किसी किस्म की दिक्कत स्पोर्ट्स काउंसिल से आ रही है तो उसका निदान पांडे जी करवाएंगे, जो मुख्यमंत्री के सचिव हैं, और वो इस चीज़ का निदान कराएंगे, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। तो उस आधार पर हम जो है ये कोशिश करेंगे कि वहाँ पर किसी किस्म की दिक्कत ना आए, इस स्टेडियम को मिलने और आईपीएल हो सके राजस्थान में जयपुर से बात। इन लोगों को इस चीज को इंश्योर करना चाहिए, चाहे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन हो चाहे राज्य सरकार, कि आईपीएल यहाँ पे विधिवत हो सके, वरना हमने जो विकल्प के रूप में जो है अहमदाबाद के सेंटर को भी देखा है, वो कि बीच से ही बहुत दिन तक वेट नहीं कर सकती है, लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि जयपुर में ही मैच हो। जयपुर के अलावा अन्य कोई शहर राजस्थान का? नहीं, राजस्थान का और शहर में कोई ऐसा स्टेडियम अभी तक नहीं है जो आईपीएल कराने के जो मानक है उनको अभी पूरा करता हूँ, आगे तैयार हो सकते हैं, पोटेंशियल यहाँ बहुत है। हमने जोधपुर का स्टेडियम भी देखा, उस वो भी अच्छा स्टेडियम है, तो पोटेंशियल है, लेकिन अभी आज की तारीख में जयपुर का ही स्टेडियम उन मानकों को पूरा करता है। ठीक है, ओके।